दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर इंडिया गठबंधन के द्वारा जो है एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है लोकतंत्र बचाओ और तानाशाही हटाओ। जिसके मद्देनज़र जो है आप देख सकते हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, या फिर लेफ्टिस्ट हो, यानी विपक्ष की जो पार्टी है वो यहाँ पे सभी के सभी जो है नज़र आ रही हैं। लोग जो है दूर दराज के इलाकों से आए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे अगर बातचीत करें, यहाँ पे पंजाब के एक विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप पंजाब से यहाँ पर आए हैं तो आप किस लिए आए हैं? हम देश को बचाने के लिए जो आज रैली रखी गई है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए आज महागठबंधन की रैली है, उसमें हिस्सेदारी भागीदारी पाने के लिए हम पंजाब से आए हैं, क्योंकि हमारे संविधान को अभी खतरा है, वो इसलिए हम सब रल के इसको साफ करने वाले हैं। ये बताइए, ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की है और ईडी आगे भी कार्रवाई कर रहा है, तो क्या आप ईडी की कार्रवाई से खुश नहीं है या फिर क्या चाहते हैं आप? ईडी अब तो कठपुतली की तरह काम कर रही है। आप देखिए कि जो भी बीजेपी का चाहे कार्यकर्ता हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी पार्टी कोई भी हो उसके घर ईडी रात दिन चक्कर लगाती है, अंदर कर देती है। ये नारा दिया गया है कि लोकतंत्र बचाओ और तानाशाही हटाओ, तो आखिर देश के अंदर तो लोकतंत्र ही है ना? लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र को तो खतरा है, इसलिए तो इतने बड़े इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए तो ये बड़ी वाली रैली रखी गई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए महागठबंधन बना हुआ, जो इंडिया लाइंस का आज प्रोग्राम है, इसलिए ही है कि लोकतंत्र को खतरा है। बिल्कुल, जिस तरह से जो है इंडिया का जो गठबंधन है वो यहाँ पे जो महारैली का जो आयोजन किया गया है वो इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कश्मीर से जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए। कहाँ से आए आप? पंजाब गुरदासपुर से। पंजाब से आए हैं, गुरदासपुर जिला। तो क्या कहते हैं, ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की है दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहना चाहते हैं यही कि अब तो हद पार ही हो गई है, मोदी शाह की तानाशाही जो है थोड़े दिन ही बस टिकेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो बहुत ही अनेक और सच्चे ईमानदार नेता हैं, दिल्ली के लोग विश्वास करते हैं उन पर पूरा का पूरा, इसलिए वो हर बार जीतते आए हैं, इस बार भी वो एमपी की सीटें साथों के साथ जीतेंगे और इनको करारा सा जवाब देंगे। क्या कहेंगे कि देश के अंदर जैसे लोग आप लोग कह रहे हैं कि तानाशाही फैल रही है, लोकतंत्र खतरे में, कहाँ लोकतंत्र खतरे में? चुनाव तो हो रहे हैं। नहीं, चुनाव तो हो रहे हैं, चुनाव अपनी गुंडागर्दी से हो रहे हैं। इनको ये पता रहता हम 300 पार करेंगे, हमें 400 पार करेंगे, क्यों? जिस आदमी को ये पता इसके घर में 1 लाख रुपए रखा है और मैं चुरा के ले जाऊंगा, वो अपने सब कुछ देख के चलता है। इनको ये गुंडागर्दी रोकने के लिए मैं 300 पार करूंगा, मैं 250 पार करूंगा, मैं उसको बंद करूंगा, मैं उसको। अगर जिनके घर ये ईडी रेड मारती है बाद में चंदा ले लेते हैं वो साफ हो जाते हैं, जो पैसा जिनके घर नहीं मिलते वो बंद हो जाते हैं, जैसे केजरीवाल जी हुए। ईडी पे सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? एक बात है ना, जो अधिकारी के नीचे काम कर रहा होता है ईडी इसी के अंडर काम करती है, इसलिए वो उनको भेज देते हैं। ईडी की कार्रवाई है वो सिर्फ और सिर्फ कार्य चाहती है कि विपक्ष को खत्म कर दे। आज अरविंद केजरीवाल ने देश को एक उम्मीद दी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार की। धीरे धीरे क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ये मजबूर कर दिया कि एकदम झूठा मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसका मुख्य सरकारी गवाह उस रेड्डी को बनाया गया जिसने बीजेपी ने 60 करोड़ रुपए लेकर उसको सांसद की टिकट दी है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये रखा गया है यहाँ पे महारैली का आयोजन, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आज दो रैली, एक मेरठ में, एक रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान का इतिहास है, रामलीला मैदान से बड़े बड़े इरादों के साथ लोग पार्टी आई हैं, और आज वही लड़ाई है सावरकर और गांधी में, वही लड़ा रही है सच और झूठ में। मेरठ में झूठ बोलने वाले हैं, मेरठ में देश बेचने वाले में, मेरठ में बहन बेटे की इज्जत लूटने वालों की रैली हो रही है, मेरठ में नकली राम की रैली हो रही है, रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, अपने बच्चों का भविष्य बचाओ, रोजगार को बचाओ, महंगाई कम करो, अच्छे दिन लाओ को लेकर इंडिया गठबंधन के सारे देश के अच्छे नेता आज रामलीला मैदान में हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम तो बिहार से आए हैं, लेकिन बाकी लोग जितने लोग हैं सब बिहार के ही लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और ये बर्दाश्त नहीं चल रही है, पूरे देश की जनता रोड पर उतरने वाली है,
और 2024 में बदलाव होगा। ये पूरे अंदर अंदर जमीनी स्तर पे पूरे जनता मन बना ली है कि अब इनको उखाड़ फेंकना है, तानाशाही की सरकार को नहीं रहने देना, उखाड़ फेंकना है। जितने भी गरीबों के नेता हैं उनके ऊपर ये ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके अंदर किया जा रहा है। देखिए हमारे आज जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल साहब, उनको एन कैन प्रकरण करके इनको अंदर डाल दिया गया है। उनके खिलाफ हम लोगों ने महागठबंधन के जितने भी साथी लोग हैं आज आए हुए हैं दिल्ली की धरती पे, और के भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। जबरदस्ती विपक्ष को बिल्कुल खत्म करने का काम कर रहे हैं। इनको अंदर ही अंदर इनको डर है कि अंदर अंदर इनके हार, जो पब्लिक है ना, पब्लिक ने अब इनके हार को मन बना लिया है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हुजूम है किस कदर है, जो सड़कें हैं वो तक की जाम हो चुकी है और सड़कों पे बस झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। और ये सभी लोग जो हैं ये इसीलिए आए हैं कि जिस तरह से जो है देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, इनका कहना है कि लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, तो जिसके चलते जो है यह महागठबंधन की जो रैली है वो दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर आज देखने को मिल रही है, जिसके अंदर गठबंधन के कई सारे जो नेतागण हैं वो मौजूद हैं, जनता मौजूद है और ये यही चाहती है कि केजरीवाल को रिहा करो। और आप देख सकते हैं कि सामने पोस्टर में भी जो इन्होंने बैनर लगा रखा है उसमें सलाखें दिखाई गई हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें जेल के अंदर दिखाया गया है। तो दिल्ली का रामलीला मैदान है, ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि जो लाखों की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है, और इसके अंदर जो कई सारे जो नेतागण हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वजद अली, नवद टाइम्स।